हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एंड आज की वीडियो में मैं आपको अगेन एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी मेरे चैनल पे हॉरर सीरीज चल रही है, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मेरे कम्युनिटी पोस्ट में बोला था कि दीदी, जब भी आप कोई हॉरर स्टोरी यूट्यूब पे डालो तो प्लीज़ सुबह को डाला करो, क्योंकि रात में आपके लिए अनसेफ हो जाता है, क्योंकि रात में तो मेन होता है टाइम गोस का। एंड उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे आप लोग, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रात होने से पहले ही कर लूँ। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं एंड मैं अभी ये वीडियो शूट कर रही हूँ। एडिटिंग करने में काफ़ी टाइम लगेगा, उसके बाद ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा। एंड गाइस, जैसा कि आपने टाइटल पढ़ लिया कि आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ द ब्राइड की हॉरर स्टोरी। सो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि वीडियो ना थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मतलब 15-20 मिनट का तो 15 या 16 मिनट का तो हो गई ये वीडियो। तो गाइस, ये स्टोरी ना बहुत लंबी है एंड मुझे सबसे पहले मुझे खुद ये स्टोरी को डिटेल में समझना पड़ा, उसके बाद मैं आपसे ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आपको पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी स्टोरी, लेकिन जितना हो सकता है मुझसे मैं 15-16 मिनट में मैं आपको सब ये स्टोरी पूरा सुना दूँगी। एंड ये काफ़ी स्टोरी बहुत स्कैरी है। एंड मैं आपको ये भी बता दूँ एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये वीडियो थोड़ा सा हॉन्टेड हो सकता है, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइजेज जो होगी ना वो हॉरर भी मैं इस वीडियो में डाल दूँगी, तो इसलिए थोड़ा सा स्कैरी हो सकता है। तो जो लोग भी वीक हार्टेड है ये वीडियो को बिल्कुल ना देखें, मैं पहले से ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ आप लोगों को। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, छोटे से नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना ताकि जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो यूट्यूब पर आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। सो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। सो गाइस, ये कहानी शुरू होती है 1832 पे। एंड मैं पहले आपको बता देती हूँ कि कहानी शुरू कहाँ से हुई, क्या चीज़ से शुरू हुई। 1832 में एक लड़का था, मतलब कि एक इंसान था, जिसकी शादी होने से पहले ही उसकी जिसके साथ उसकी शादी हो रही थी उसका डेथ हो गया। तो वो जो लड़का था वो एक साइंटिस्ट था, एक वैज्ञानिक था, यानी कि साइंटिस्ट था। तो उसने एक कैमरा बनाया था, ठीक है, उसने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिसमें अगर आप किसी मरे हुए इंसान की पिक्चर क्लिक करते हो तो उसमें उस इंसान की बॉडी को लेकर उसकी जो सोल रहती है, यानी कि जो उसकी जो आत्मा रहती है अंदर, वो भी कैप्चर हो सकते हैं। एंड उस आत्मा को लेके आप किसी भी वर्जन लड़की के अंदर उसे ट्रांसफ़र कर सकते थे। तो उसकी शादी होने से पहले उसकी जो होने वाली दुल्हन थी उसका डेथ हो गया था। तो उसने जब उसकी शादी हुई थी उसी टाइम उस लड़की का डेथ हुआ था। तो उसने अपनी होने वाली दुल्हन का पूरा जोड़ा बुरा, शादी का जोड़ा, ज्वेलरी वोलरी सब उतारा एंड पूरे मोहल्ले में एक लड़की को ढूंढा जो वर्जिन लड़की। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर किसी की सोल को किसी दूसरे बॉडी के अंदर डालना है, सो गाइस मैं ये कही थी कि अगर किसी की किसी मरे हुए इंसान की सोल को अगर किसी दूसरे बॉडी में डालना है तो उसके लिए सबसे आपको पहले कोई वर्जिन गर्ल की ज़रूरत होती है। तो उस वैज्ञानिक ने बहुत खोजा अपने मोहल्ले में, तो उसको जाके एक वर्जिन लड़की मिली। तो उसने उसको कहा कि उसकी जो होने वाली दुल्हन थी उसकी शादी के जोड़े और उसकी ज्वेलरी उसको दे दिया। एंड वो लड़की को ताबूत में बंद कर दिया गया। एंड उसके बाद पता नहीं कुछ मंत्र पर गया एंड वो जो लड़की थी, जो वर्जिन लड़की थी, उसने द ब्राइट की ज्वेलरी और उसके ड्रेसेस पहने थे। इसीलिए वो जो ताबूत था, ताबूत का मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, एक ग्रेव होता है, मतलब कब्र, तो उसमें उसको बंद कर दिया गया था। तो वो कुछ देर तक वो ताबूत हिला नहीं, थोड़ी देर में वो ताबूत हिलना शुरू हो गया था एंड वो होगा। और उसके 4-5 साल के बाद ये स्टोरी स्टार्ट होती है, ठीक है। ये स्टोरी कब शुरू हुई, कब ये हुई, मैंने आपको बता दिया। होती है दो लड़की लड़की से, लड़की का नाम रहता है इवान और लड़की का नाम रहता है नास्ट्रा। तो इवान जो था ना, उसकी फैमिली हमेशा से श्रापित थी, क्योंकि उन लोगों को कभी गॉड पे भरोसा नहीं करा, लेकिन नास्ट्रा जो थी वो गॉड पे बहुत भरोसा करती थी। तो इवान और नास्ट्रा दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, तो उन लोग की शादी होने वाली थी। तो इवान नास्ट्रा को लेकर अपने घर लेके गया अपने फैमिली से मिलाने के लिए। तो इवान की एक बहन भी रहती थी, बड़ी बहन, जिसका नाम था लीसा, और उनके दो बेटे बेटी भी थे, बेटा था एक और एक बेटी थी। इस कहानी में बेटे बेटी का नाम
हमारे घर पहली बार आ चुकी हो तो हम लोग तुम्हारी शादी यहीं पे हो गए। तो नास्टा को थोड़ा अजीब लगा कि इतनी जल्दी क्यों, लेकिन तब भी वो उसने कहा ठीक है। एक रात नास्टा जब सो रही थी उसी घर पे, वो कुछ दिन के रहने गई थी इवान के साथ, तो जब वहाँ पे सो रही थी वो उस रूम में, तो अचानक ही वो उसने देखा कि इवान उसके बेड पे नहीं था। वो उठ के बाहर गई तो उसने देखा कि इवान और लीसा एक साइड में बैठ के कुछ बात कर रहे थे। तो उसने थोड़ी सी कुछ बातें सुनी कि इवान लीसा से कह रहा था कि नहीं, नास्टा से मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसके साथ ये नहीं होना चाहिए। तो लीसा बिल्कुल भी मानी नहीं, ये वो। दूसरे दिन ना रात को क्या हुआ, रात को जब नास्टा सो रही थी, मैंने जैसा कि आपको कहा कि लीसा के दो बेटे बेटी थे, बेटा बेटी थे, तो नास्टा लीसा के एक बेटा, लीसा का जो एक बेटा था वो नास्टा के पास भाग के आया एंड कहा कि उसकी जो बहन है यानी कि लीसा की बेटी वो फंस गई है एक जगह पे, तो वो जाए। तो नास्टा को ना एक वार्ड रूम नहीं होते कमरे के अंदर, जो वार्ड रूम है तो उसे काफ़ी आवाज़ आने लगी। वो वहाँ पे चली गई उस लीसा के बच्चे को लेकर हाथ पकड़ के, क्योंकि जो बच्चा था उसने वही कहा कि उसकी बहन वहाँ पर फंसी है। नास्टा जब अंदर गई, वार्डरूम का दरवाज़ा खोला, वहाँ पे देखा कि खुफिया बेसमेंट का दरवाज़ा था। उसने जब वो ओपन किया, उसने खोजा, जब लीसा की बेटी मिल गई, तो वो जो जैसे जा रहे थे ना, यू कांट बिलीव, उन लोग के जस्ट 2-3 स्टेप्स के आगे द ब्राइट खड़ी थी, उनकी द ब्राइट की जो सोल थी वो खड़ी थी। ये सब होने के बाद कुछ दिन बीते एंड कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद लीसा नास्टा के पास गई और उससे कुछ पूछा कि क्या तुम वर्जन हो। तो नास्टा वर्जन नहीं थी, नास्त्रिया नास्ट्रा कुछ बहुत प्रोनाउंस नाम करने में काफ़ी गलती हो रही है। तो नास्टा जो थी वो वर्जन नहीं थी, लेकिन तब भी उसने लीसा से कह दिया कि हाँ वो वर्जन है। तो लीसा ने भी मान लिया एंड सब फैमिली वालों ने मान लिया कि हाँ ये वर्जन ही है, लेकिन लीसा नहीं थी, बल्कि सॉरी नास्टा नहीं थी। तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ ना, कुछ दिन के बाद नास्टा को द ब्राइट के ज्वेलरी, शादी का जोड़ा, चूड़ी, सारे ज्वेलरी वोलरी, मेकअप प्रोडक्ट्स, रिंग्स सब दिया गया। नास्टा को बोला गया कि तुम इसे पहन कर आओ, उसके बाद हम लोग शादी कराएंगे तुम्हारी। तो नास्टा ने बिना कुछ बोले मुंह बंद करके वो गई। जब वो कपड़े पहन के आई ना, तो वो एक चीज़ देख के शौक थी, क्योंकि सारे फैमिली वाले एक तरफ थे और बाहर की तरफ एक ताबूत था यानी कि कब्र। तो नास्टा को काफ़ी ये हुआ, तो उन फैमिली वालों ने, लीसा और उसकी फैमिली वालों ने, ईमान की फैमिली वालों ने, जो क्या बोलते उसको, नास्टा को उस ताबूत पे बंद कर दिया, उस कब्र में बंद कर दिया एंड धीरे धीरे करके द ब्राइट की जो सोल थी वो नास्टा को पोजेस करना शुरू कर दी थी। लेकिन ताबूत थोड़े देर के लिए तो नॉर्मल था, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो ताबूत भूकंप की तरह हिलने लगा एंड सारी फैमिली वाले डर गए थे, मतलब कि अरे अरे अरे, मतलब कि। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि वो लोग फैमिली वालों ने नास्टा के साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि द ब्राइट का जो साया था वो लोग फैमिली वालों के ऊपर द ब्राइट का साया अभी तक चढ़ा हुआ था। तो वो लोग कभी एंड उन्होंने सोचा कि अगर किसी वर्जन लड़की के अंदर द ब्राइट की आत्मा को स्टोर कर दिया गया तो द ब्राइट उन लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इसी फायदे को लेकर उन्होंने नास्टा को उस ताबूत में बंद कर दिया एंड थोड़ी देर के बाद द ब्राइट उसे पोजेस करने लगी। लेकिन जब द ब्राइट को पता चला कि वो लड़की वर्जन नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नास्टा ने लीसा से झूठ कहा था कि वो वर्जन है, तो जो ताबूत था, जो कब्र था, वो अचानक से खुद से खुल गया एंड द ब्राइट की जो सोल थी वो बाहर आई और कहा कि ये लड़की वर्जन है। और सबको शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि नास्टा ने सबसे कहा था कि वो वर्जन है, ऐसी मजाक में कह दिया होगा, कोई रीज़न होगा इसके पीछे इसलिए। लेकिन वो लोग मतलब कि शॉक्ड थे कि ये लड़की ने तब झूठ क्यों कहा। तो वो सब चले, वो हुआ। तो इवान जो था ना, इवान नास्टा से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी फैमिली वाले जो थे नास्टा को नुकसान पहुंचाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उनको वो बहुत सेल्फिश थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया ना,
अगर इवान वहां रहा तो नास्टा को ताबूत में बंद करने नहीं देगा, दरबाइट को नास्टा को पोजेस करने नहीं देगा। इनफैक्ट इवान को खुद किडनैप करके बंद कर दिया गया था। जैसे तैसे करके इवान वहां से छुड़ा लेता है खुद को और फिर वो भागने लगता है। सभी फैमिली वाले भागने लगते हैं, द ब्राइड पूरे फैमिली वालों को सबको भागने के लिए मतलब कि पकड़ने के लिए भागने लगती, सबको मारने के लिए भागते। लीसा एक चीज़ की काफ़ी टेंशन थी क्योंकि उसके दो अनमोल प्यारे प्यारे बच्चे थे, उनको कुछ हो जाता तो लीसा कैसे स्टे करती, तो इसलिए लीसा को बहुत कोशिश किया गया। एंड जो इवान था वो भागते भागते लीसा के ताबूत नास्ट्रा के ताबूत तक गया, नास्ट्रा को उठाने की कोशिश की लेकिन नास्ट्रा नहीं उठी। मुश्किल से नास्ट्रा उठ गई, तो वो लोग जब भाग रहे थे ना तो जो द ब्राइड थी, तो इवान जो था ना वो नास्ट्रा को लेकर गाड़ी के ओर भरा, उसको लेके भाग रहा था। उसने उसको सब बताया कि उसकी फैमिली श्रापित है, ये वो उसके अंदर वो द ब्राइड की सोल डालना चाहते थे। तो अब मेन स्टेप, एंड उसने ये भी कहा, वो जो इवान था उसने अपनी गर्लफ्रेंड नास्टा से ये भी कहा कि उसका जो घर था ना वो हमेशा से श्रापित था। एंड सबसे मेन बात कि उनके घर पे एक फैमिली फोटो थी जिसमें द ब्राइड भी थी, द ब्राइड भी उनकी फैमिली का एक पार्ट थी। मैं आपको लास्ट में बता दूंगी इसका सरप्राइज जो क्या है। तो वो लोग ने कहा कि अगर उसको तोड़ दिया गया, उसको जला दिया गया, तो द ब्राइड की आत्मा खत्म हो जाएगी। क्योंकि उसको तोड़ भी दिया गया लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। अब आते हैं मेन स्टेप में। द ब्राइड जब सबको मारने के लिए भाग रही थी लेकिन उसने देखा, लीसा जो थी ना वो चाहती थी कि नास्ट्रा को कुछ नहीं हो, इसलिए उसने नास्ट्रा के जो हाथ था उससे अंगूठी निकाल रही, जो द ब्राइड की अंगूठी थी उसने वो पहनी, द ब्राइड ने उसको पोजेस कर लिया। एंड लीसा चाहती थी कि उसके बच्चों को कुछ ना हो, तो इसलिए उसने उसकी फैमिली को कुछ ना हो, एंड लीसा के जो फादर थे, इवान के जो फादर यानी कि उन बच्चों के दादा, वो उन बच्चों को लेकर घर के भागने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं जा पाए। एंड जो द ब्राइड थी जब उसने लीसा को पोजेस किया, उसने खुद को जला लिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचे। एंड उसी वक्त पता क्यों उसने जलाया, एंड उसी वक्त द ब्राइड की सोल जल गई थी कुछ देर के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ दिनों के लिए जल गई थी लेकिन असलियत में बिल्कुल भी नहीं। एंड अचानक ही उस पूरी फैमिली की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, लेकिन इवान, नास्टिया और वो दो बच्चे बच गए थे, इसलिए वो लोग मतलब कि चले गए। ठीक है, अब वो घर पे बहुत सारे मतलब कि एक न्यू कस्टमर आए रहने के लिए, कुछ दिन के लिए रेंट पे रहने के लिए, तो उनको भी वहाँ पे द ब्राइड की आत्मा दी गई थी। एंड ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेन स्टेप है स्टोरी का वो मैं आपको बता दूँ, इवान की जो दादी थी वही थी द ब्राइड। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, इवान के जो फादर थे एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक मशीन बनाई जिसमें अगर मरे हुए इंसान की फोटो खींची जाए तो उसकी सोल को भी वो कैप्चर कर लेता है, किसी भी वर्जन लड़की के अंदर उसको डाला जाता है। एंड जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, जिसके अंदर उस द ब्राइड की आत्मा को कैप्चर किया गया था वो एक वर्जन लड़की थी, जिसको उस इवान के फादर ने मोहल्ले से उठा के उस ताबूत में बंद कर दिया था। एंड गाइस कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, आज भी वो जो घर है जहाँ पे द ब्राइड के लिए आत्मा बेबी रहती है, वहाँ वो जगह अभी भी श्रापित है, किसी की हिम्मत नहीं है वहाँ उस घर पे जाने की। एंड अभी तक ये जो द ब्राइड का जो स्टोरी है ना, ये अभी तक सॉल्व हुआ ही नहीं, क्योंकि आज भी द ब्राइड उस घर पे रहती है। एंड ये जो कहानी है ये न्यूयॉर्क की है। सो गाइस यहीं पे खत्म होती है आज की स्टोरी टाइम। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, एंड सॉरी ये जो स्टोरी है ना इसको बहुत डिटेल में समझना पड़ता है, उसके बाद मैंने आपके साथ ये स्टोरी शेयर किया, एंड थोड़ा सा तो लंबा हो गया होगा, 15 मिनट का तो ऑब्वियसली ये हो गया होगा। सो गाइस कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट स्टोरी कौन सी सुननी है, एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं भ्रम्स द बॉय की नेक्स्ट स्टोरी डालूँ यूट्यूब पर।
सो गाइस कमेंट करके बताओ कि आपको क्यू एन ए वीडियो चाहिए या फिर कोई स्टोरी टाइम चाहिए, एंड कमेंट करके आप बता सकते हो आपको कौन सी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी देखनी, क्योंकि अभी चल रहा है मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरी हॉरर सीरीज। सो या गाइस मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो पसंद आया लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, छोटे से नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आता जाता रहे। सो गाइस बाय, लव यू ऑल, स्टे सेफ स्टे होम। कमेंट करके ज़रूर बताना, कोई भी डाउट्स है आपके स्टोरी को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगी। एंड कमेंट करके ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट हॉरर स्टोरी कौन सी चाहिए। सो गाइस बाय, लव यू ऑल, स्टे सेफ स्टे होम। मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एंड हाँ गाइस, किस किस को ग्रानी चैप्टर 2 चाहिए, उनकी ग्रानी की जो स्टोरी थी वो जो स्टोरी जो मैंने आपको कल अपलोड की थी, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट तो किसी ने नहीं किया अभी तक, बट मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो में कमेंट करके बताओ कि आपको ग्रानी की पार्ट 2 चाहिए स्टोरी की, या फिर आपको भ्रम्स द बॉय की हॉरर स्टोरी सुननी है। सो गाइस बाय, लव यू ऑल, कमेंट करके जरूर बताना। सो आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।